गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम आप लोगों आवर सेफ्टी चैप्टर शुरू किए थे। आज उसमें हम आपको सेफ्टी हैबिट, सेफ्टी रूल्स एट होम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब सारी चीजों के बारे में समझा दिए थे। ठीक है, आज हम आप लोग को फायर के बारे में समझा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वी यूज फायर ऑफ कुकिंग एंड हीटिंग। हम लोग आग का यूज किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जब खाना बनाना रहता है तब आग का यूज करते हैं, गर्म करना रहता है तब हम आग का यूज करते हैं। तो आग का यूज हम कुकिंग और हीटिंग के लिए करते हैं। वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर। हम लोग को आग का यूज करते समय बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। हम लोग को मैच स्टिक्स से नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? उससे क्या होता है, मैच स्टिक यदि जल जाता है तो क्या होगा, हाथ जल सकता है, हाथ जल सकता है और आग भी लग सकता है। इसीलिए बच्चों को मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए। मैच स्टिक्स मीन्स माचिस की तीली जो होती है उसको मैच स्टिक बोलते हैं। वी शुड टर्न ऑफ द गैस सिलेंडर, रेगुलेटर एंड द बर्नर व्हेन द आर नॉट इज यूज। यदि हम लोग गैस पर खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद क्या करना चाहिए, रेगुलेटर और बर्नर को बंद कर देना चाहिए। जितने ही गैस जो है सुविधाजनक चीज है, उसमें आराम से खाना बन जाता है, उतना ही वो खतरनाक भी है। ठीक है, तो खाना बनाने के बाद क्या करना चाहिए, गैस सिलेंडर रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए और बर्नर को भी बंद कर देना चाहिए। यदि हम खुला हुआ छोड़ देते हैं, मान लीजिए कहीं गैस लीक कर रहा है, तो क्या होगा, फिर उसको जो हम दोबारा जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, आग पकड़ लेगा। तो इसके लिए हम लोग को सावधानी की जरूरत है, इससे हम लोग, ठीक है, तो इसको जलाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वी यूज सम शार्प एज्ड एंड पॉइंटेड थिंग्स एट आवर होम सच एज नाइफ, सीजर्स, ब्लेड, पिंस एंड नीडल्स। हम लोग घर के अंदर बहुत सारे नुकीले चीज का यूज करते हैं, जैसे नाइफ्स हुआ, चाकू, सीजर्स, कैंची, ब्लेड्स, पिंस एंड नीडल्स, ये सारी चीज घर में हम यूज करते हैं, करते हैं। इफ वी यूज देम केयरफुली, तो इसके यूज करते समय हम लोग को बहुत केयरफुली की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ठीक है, तो इसको यूज करते समय हम लोग केयरफुल रहे। दे कैन हर्ट अस, ये हम लोग को क्या करता है, चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए सावधानी से हम लोग यूज करें। दे शुड बी यूज वेरी केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। इसका यूज यदि आप करते हैं तो बड़े के सामने में करें, जब बड़े प्रेजेंस हो तभी इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी पेट एनिमल्स एट योर होम बी काइंड टू इट। यदि आप घर में कोई जानवर पाल के रखे हुए हैं तो इसके साथ आप काइंड का व्यवहार रखें, उसे चोट मत पहुंचाएं। ठीक है, तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखें। नेवर हर्ट इट पेट सच एज कैट्स, डॉग, हैमस्टर, इटीसी। तो इसको चोट ना पहुंचाएं, ये पालतू जानवर जो होते हैं उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। कैन बाइट यू इफ यू टीज देम, इसके साथ हम लोग मित्रता का व्यवहार रखेंगे, यानी कि उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। यदि हम उसे चोट पहुंचाते हैं तो वो हमें काट सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखिएगा और चोट नहीं पहुंचाइएगा। और अगले क्लास में हम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड के बारे में समझाएंगे, रोड पे कैसे हम लोग को सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो बाय।